प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नई दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ पहुंचे, जहां चार बार रेलवे स्टेशन से लेकर भाजपा कार्यालय तक जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव और पार्टी के तमाम पदाधिकारी, विधायक, सांसद मौजूद रहे। जितने लायक थे वह सभी को मदद करने का काम किया, भले वो विरोधी समझते रहे हो, लेकिन संगठन के बैठक में इन्हीं लोगों का समर्थन करने का काम किया भाई भूपेंद्र चौधरी। साथियों, भाजपा एक ऐसा संगठन है जहां कार्यकर्ताओं का निर्माण अनवरत रहता है, और निश्चित रूप से कह सकता हूं इस प्रक्रिया में भूपेंद्र सिंह जी का अध्यक्ष होने से और गति मिलेगा पार्टी को, प्रदेश में और गतिमान होगा। प्रदेश सरकार में पहले परिवहन मंत्री के रूप में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया था, और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मैं देखता था एक एक चीज को, नई नई चीजों को ढूंढ करके लाते थे अलग अलग जगह से, कि कभी उत्तराखंड के साथ, कभी मध्य प्रदेश के साथ, कभी राजस्थान के साथ, कभी जम्मू और कश्मीर के साथ, कभी हिमाचल प्रदेश के साथ एमओयू करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज वहां पर जाए, और वहां से बसेज से माध्यम से फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के का प्रचार प्रसार करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कुंभ के दौरान 5,000 बसेज उन्होंने अपने अतिरिक्त बेड़े में एकत्र करवाई। और आपने देखा होगा उस समय मैं भी बोलता था इतनी बसेज खरीद रहे लेकिन इससे क्या हमें लाभ होगा, लेकिन कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि जब हमें उत्तर प्रदेश के छात्रों को दूसरे राज्यों से वापस लाना था, इन्हीं बसेज को मैं भेजता था, जाकर के अपने बच्चों को वापस लेकर के आता था, कामगारों और श्रमिकों को वापस लाने में इन्हीं बसेज का हम मदद करते थे। आज वे अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से यहां से तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त होकर के प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में अपना कार्य करेंगे, और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर के माननीय भूपेंद्र जी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में, स्वतंत्र देव जी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही हमेशा जाने जाते रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, चाहे लखनऊ की सड़कों पर कार्यकर्ताओं पर लाठी भजवाने से लेकर के अनेक तमाम कार्यक्रम करवाने का कार्य अक्सर होता था। विपक्ष की सरकारें होती थी और लाठी नहीं चटक रही तो स्वतंत्र देव जी जरूर चटकवा देते थे, लेकिन आज वह अपने प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होकर के भूपेंद्र जी को मजबूत बनाने में, संगठन में अपना योगदान देंगे, प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान है वह अत्यंत सराहनीय योगदान है। अब वह एक बड़े मिशन के साथ चल रहे हैं कि हमें अगले कुछ वर्षों के अंदर हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है और खेत में पानी उपलब्ध कराना है, और इस बड़े कार्यक्रम का उत्तरदायित्व इस समय निभा रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें भी एक अच्छी पारी के लिए हृदय से बधाई देता हूं, और प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो मेहनत और जो परिश्रम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने की उसका परिणाम है कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाने में सफल हुई। लगभग 37 वर्षों के बाद कोई सरकार रिपीट की है। आज भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने, नए संगठन महामंत्री मिलने और नई टीम के साथ हम मजबूती के साथ 2024 के मिशन को लेकर के कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से माननीय भूपेंद्र जी को हृदय से बधाई देता हूं। अपने यह 2022 का चुनाव आपने जीत करके यह साबित कर दिया है, चाहे जितनी बाधाएं आए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा के बल पर आशीर्वाद प्राप्त करना जानता है, और आपने आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया है।
लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। मैं यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हनुमान जी की तरह शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी कभी अपनी ताकत भूल जाता है। ये ताकत मत भूलना। ये विपक्षी बड़े बेचैन है। बेचैन है कि नहीं बेचैन है? बताओ, बेचैन है कि नहीं बेचैन है? सारे विरोधी बेचैन है और उनकी बेचैनी केवल इस बात के लिए है कि उनके भ्रष्टाचार की जांच क्यों की जाती है। और इन सबको मैं एक कल मैं पढ़ रहा था, एक मेरे मित्र ने लिखा, कहा कि कुछ लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, उसका तो इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को मोदियाबिंद हो जाता है, मोदी जी का समझे ना, मोदियाबिंद हो जाता है, उसका इलाज नहीं है। भ्रष्टाचार की जांच करोगे, भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कहे हैं तो उसको ढोना चाहिए कि नहीं? नोट लूट करके रखे उसे निकालना चाहिए कि नहीं? गरीब के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए कि नहीं? आज की एक मैं आप सब लोगों के सामने गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पर 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा का संकल्प लेकर के आगे बढ़े, यही आवाहन निवेदन करके अपनी वाणी को दूंगा विराम। जरा एक बार दोनों हाथ उठा करके फिर से बोल दीजिए, जय श्री राम। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।